दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। जिन्हें शायद पहली बार इस राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा रहा है, और किसने सोचा था कि एक दिन ये सम्मान मरणोपरांत उन्हें प्राप्त होगा। आज उस विशिष्ट व्यक्ति को भी इस मंच से प्रणाम करती हूं, अपनी फिल्मों के माध्यम से देश भर की जनता के मन में एक अमिट छाप छोड़ने के लिए आप सबके सहयोग से श्रीदेवी को भी याद करती हूं। Films, and I think thanks to the television channels, the satellite channel, the digital era, she will continue entertaining people forever as long as entertainment industry exists, and as long as this media exists, she will continue entertaining everybody. And this is what the youngsters should keep in mind, okay, once they make a mark, they remain in limelight, and to be in limelight they've got to put in the hard work like she did. जिन्हें शायद पहली बार इस राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा रहा है, और किसने सोचा था कि एक दिन ये सम्मान मरणोपरांत उन्हें प्राप्त होगा। आज उस विशिष्ट व्यक्ति को भी इस मंच से प्रणाम करती हूं, अपनी फिल्मों के माध्यम से देश भर की जनता के मन में एक अमिट छाप छोड़ने के लिए आप सबके सहयोग से श्रीदेवी को भी याद करती हूं। एक और एक
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मॉम के लिए मरणोपरांत श्रीदेवी को दिया जाता है और उनको प्रदान किया जाएगा रजत कमल। हम आमंत्रित करते हैं स्वर्गीय श्रीदेवी के पति श्री बोनी कपूर और उनकी बेटियां जानवी और खुशी कपूर को कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इन द मूवी मॉम श्रीदेवी प्लेड द रोल ऑफ अ मदर अंडरगोइंग ट्रॉमा बिकॉज हर डॉटर इज गैंग रेप। She plays the role with her exceptional acting skills.